नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको दिखाते हैं अहम खबर। देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर रुद्रपुर में उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्षा और रुद्रपुर नगर पालिका परिषद की पूर्व चेयरपर्सन मीना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मलिन बस्ती सुभाष कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंसों के आगे बीन बजाई और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ अपने संबोधन में महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार गूंगी बहरी हो गई है। इसे जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलित हैं, वहीं आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है, इसे उठाने के लिए हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। इस अवसर पर मीना शर्मा के साथ महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष मोनिका ढाली, पार्षद प्रीति साना, पार्षद बबीता बैरागी, महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सरोज रानी सोनू आदि उपस्थित रहे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, आरओ, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी एंटरप्राइजेज नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुम खेड़ा, हल्द्वानी।